जिन गरीबों को उन्होंने मदद किया है वो मसीहा मानते हैं, जिन गरीबों की उन्होंने मदद किया था वो उनको मसीहा मानते हैं, ये बात मैंने कही। नहीं, मैंने कहा कि जिन गरीबों को वो मदद किए हैं सुख में दुख में तो वो उनको मसीहा मानते हैं। अच्छा, अफजाल अंसारी हैं उनके बड़े भाई, उनका आरोप है कि उनको जहर देके मारा गया और इसके पीछे जो है माफिया ब्रजेश सिंह को बचाने की साजिश है, और मुख्तार अंसारी उनके फोन पे भी कह चुके हैं कि देखिए घटना दुखद है, ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है, और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट यही है कि हार्ट अटैक से है। जैसा कि बेटे उनके उम्र की डिमांड हुई कि मजिस्ट्रेट की जांच, मजिस्ट्रेटियल जांच का, तो उसमें सरकार के तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच भी शुरू हो गई है। देखिए अब वो पॉलिटिकल मामला है, और एक लक्ष्य लेकर के हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन शुरू किया है, और 4 जून 400 पार रिजल्ट आएगा। ये तो बहुत पहले ऐलान हो चुका था, तो उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है। इंडिया गठबंधन, देखिए जनता को ठगने वाले लोग, जनता को गुमराह करने वाले, गुमराह करके वोट लेने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आज अगर ये लोग काम किए होते तो आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कहाँ होते? आज उठा के देखिए पूरे देश में, अगर हम यूपी की बात करें 75 जिले में अल्पसंख्यक कहाँ खड़ा है? अल्पसंख्यक जब आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था, कांग्रेस सपा बसपा ने इतना विकास किया कि आज 1% नहीं है। पिछड़ों की बात करने वाले जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये लंबे समय तक दिल्ली में और लखनऊ में अकेले अकेले शासन किए, मिल के शासन किए, मिली जुली गवर्नमेंट दिल्ली और प्रदेश में थी, इन लोगों ने विकास की बात क्यों नहीं की? जब महिला आरक्षण बिल पास करना था तब इनके पास समय नहीं था, तब इन लोगों को याद नहीं आया। जब गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये देने की बात आई तो इनको याद नहीं आया। अगर ये काम किया तो NDA देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। जो योजनाएं बन रही हैं उन योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, इस नाते वो लोग परेशान हैं। तो परेशानी से वो रैली नहीं कुछ करें, जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तैयारी है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। विपक्ष आपस में लड़ रहा है और आपस में लड़ करके वो बिखर चुका है। सर, कांग्रेस लगातार सरकार पे आरोप लगा रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जैसे आयकर विभाग की नोटिस गई और फिर उसके बाद कांग्रेस के बैंक खाते को सीज कर दिया गया, उसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो कार्रवाई होगी। देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तो ED और CBI काम नहीं करने देती थी, स्वतंत्र एजेंसी थी, आज काम कर रही है। कांग्रेस के नेता झारखंड में पकड़े जाते हैं, छोटी मशीन नोट गिनने वाली जाती है गर्म हो जाती है, बंद हो जाती है, फिर बड़ी मशीन जाती है तब भी बंद हो जाती है। 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उस पर बयान देंगे? ये कहाँ से बरामद हुआ? तो जो एजेंसियाँ वो अपना काम कर रही हैं, अब एजेंसी काम कर रही है तो लोगों को बुरा लग रहा है तो लगे। जो उनके बेटे के तरफ से हुआ कि मजिस्ट्रेटियल जांच हो, उसके लिए सरकार ने तुरंत आदेश कर दिया और जांच भी शुरू हो गई, और उनकी जो ख्वाहिश हो कि और कहां से जांच कराई जाए, तो उनके तरफ से अगर होगा तो सरकार कटिबद्ध है। सबको न्याय देने के लिए सबका साथ सबका विश्वास की बात है, कहीं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आपने कहा कि जिनके साथ जो गरीब हैं वो मसीहा कहते हैं, आप क्या कहेंगे उनको, मुख्तार अंसारी को? मैं फिर कह रहा हूँ, जिन गरीबों को उन्होंने मदद किया, सुख में दुख में काम किया, वो गरीब उनको मसीहा मानता है अपना। देखिए जन है ना, मैं उनके साथ था, मैं देखिए कौमी एकता दल जब उनका था तो हम लोग मिल करके चुनाव लड़े थे,
फिर उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर उनसे मिलकर चुनाव लड़े, उसके बाद फिर हम NDA में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। उनके जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान? कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जो लक्ष्य हम लोगों का, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग अपने काम पर लगे हैं।